तो सर आपने सनराइज तो देखा ही होगा ना सर, सूर्योदय? हाँ सूर्योदय देखा। तो उस सूर्योदय होने से पहले आकाश में एक जो लालिमा सी छाती है ना सर, उसको अरुणोदय बोलते हैं। और जो मेरे भाई का नाम है, और जो मेरे भाई का नाम है उसका नाम है अभ्युदय। अभ्युदय का मतलब होता है सूर्य का उदय होना, और मेरा मतलब होता है सूर्य के उदय होने से पहले वाली लालिमा। क्या बात है भाई साहब, आपके बोलने के तरीके और आपके अंदर जो बुद्धि है, इतना भी ज्ञान आपने प्राप्त किया है। यस सर। ऐसे लगता नहीं कि आप 9 वर्ष के हैं। सर आप अकेले आदमी नहीं है जिन्होंने मुझे ये कहा है। बताइए। ओहो, इनसे कोई भी प्रश्न पूछना जो है, पता नहीं क्या बम आने वाला उधर से। ओके, आप बड़े होकर के क्या करेंगे? आपको अच्छे से बता नहीं सकता क्योंकि मेरे सपने कब चेंज होते हैं मुझे खुद नहीं पता। अगर जी मैंने अदालत का प्रोग्राम देख लिया तो मुझे जज बनना है। अगर जो है बिजनेसमैन का प्रोग्राम देख लिया, मुझे बिजनेसमैन बनना है। आईएएस का प्रोग्राम देखना, आईएएस बनना है। डॉक्टर तो मैं बिल्कुल बनना नहीं चाहता हूँ। हाँ। और पॉलिटिशियन भी नहीं। लेकिन सिंगर बन सकता हूँ मैं। क्या बनना चाहते हैं? सिंगर गायक। गायक बनेंगे आप? ये सब बन सकते हैं, अभी तो पता नहीं भविष्य में क्या करेंगे। केबीसी आप नहीं देखते हैं क्या? सर केबीसी तो हम इतना देखते हैं जी, जब मैं छोटा बच्चा था तो जब पापा मामा न्यूज देखते थे, जब ये छोटे बच्चे थे। हाँ जी, तो जी आजकल भी तो देखते ही है। आपका शो इतना हिट है क्योंकि आप है उसमें। अगर जी कोई और होता तो इतनी पॉपुलैरिटी बन नहीं सकती थी सर। अरुणोदय जी जल्दी से आपको खेल के नियम बता दो क्योंकि आपने तो हमारे एकदम हालत खराब कर दी है। सर जब आपके पास कुछ बोलने के लिए नहीं होता है तब आप खेल के नियमों पर ही आते हैं सर, मैंने देखा है। ए भगवान।